हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। देश में कुछ है, इसी देश में हम सबको रहना है और यही अगर कोई स्थिति ऐसी उसको बेहतर करना है। यही देश हम लोग को सब कुछ दिया, इसी मिट्टी पानी के है, इसी में रहना है, इसी में मरना है, जाना कहा है। नमस्कार, इनसाइड टू लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने एक बयान से घिर गए हैं। भले ही उनकी पार्टी और सहयोगी दल उनके साथ समर्थन में दिख रहे हैं, लेकिन माहौल उनके खिलाफ जा रहा है। भाजपा और एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों ने सिद्दीकी के बयान को राष्ट्रद्रोह से जोड़ दिया है। अपने बयान के विरोध में माहौल जाता देखकर अब सिद्दीकी पलट रहे हैं। एक दिन पहले ही सिद्दीकी ने यहां तक कह दिया कि देश में ऐसा माहौल है ही नहीं कि बच्चे झेल पाएंगे, लेकिन अब सिद्दीकी कह रहे हैं कि 10 बार जन्म लेना होगा तो भी भारत में ही पैदा होना चाहूंगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक दिन पहले ही कहा था कि अब भारत में रहने का माहौल नहीं है, बच्चे यहाँ के मौजूदा माहौल में रह पाएंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को विदेश में ही नौकरी करने की सलाह दी। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि विदेश में ही नागरिकता ले लें। हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। लेकिन अब सिद्दीकी अपने बयान से पूरी तरह पलट रहे हैं। एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मैंने अपने बच्चों को जो बातें कही हैं वो एक सलाह है, मेरी सलाह जरूरी नहीं कि मान ही ली जाए, लेकिन देश में घृणा की राजनीति जो चल रही है वो तो सच ही है, लेकिन ये भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। इसके बाद अपने बयान से पूरी तरह पलटते हुए सिद्दीकी ने कहा कि मुझे 10 बार जन्म लेना पड़े तो भी भारत में ही पैदा होना चाहूंगा। हालांकि इससे पहले बीजेपी के पाकिस्तान जाने की सलाह पर सिद्दीकी ने कहा कि आजकल सबसे सस्ती गाली हो गई है कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान तुम्हारा बाप दादा होगा, हमारा नहीं। वहीं महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने एकजुट होकर पहले तो सिद्दीकी के बयान का समर्थन किया। आरजेडी के चितरंजन गगन, जेडीयू नेता और मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्र ने सिद्दीकी के बयान का समर्थन किया। लेकिन अब जेडीयू के सुर भी बदल गए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर संजय झा ने शुक्रवार को कहा कि मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देश हमारा यही है, अगर कुछ कमी है तो उसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन इस देश ने हमें सब कुछ दिया है। इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर देश में कुछ है, इसी देश में हम सबको रहना है और यही अगर कोई स्थिति ऐसी उसको बेहतर करना है। यही देश हम लोग को सब कुछ दिया है, इसी मिट्टी पानी के है, इसी में रहना है, इसी में मरना है, जाना कहा। अब इस तरह संजय झा ने भी अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयानों से खुद को किनारे कर लिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड टू लाइव।